हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने आई हूँ अपने पेशेंट के केस के बारे में डिस्कस करके। मेरे पास एक पेशेंट आए थे करीबन 5-6 महीने पहले। उनकी हालत ऐसी थी सोरासिस से कि वो ढंग से जी नहीं पा रहे थे, ना ढंग से खा पा रहे थे, ना ढंग से पी पा रहे थे। वो कुछ भी खा रहे थे, वो कुछ भी पी रहे थे, बस वॉमिट आउट कर रहे थे, या उनकी पूरी बॉडी सोरासिस में इतनी इफ़ेक्ट हो चुकी थी जिसके कारण वो बहुत पेन में थे और बहुत सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में आप इमेजेस भी देखेंगे कि उनका कैसे कैसे हमने इलाज करा है, ट्रीटमेंट करा है और आज वो स्टेबल हैं। तो जब वो मेरे पास आए थे उसकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी। बीच में मेडिसिंस खाते खाते उन्हें आराम आना शुरू हुआ और उससे पहले वो कोई पुड़िया की स्टीरॉयडल दवाइयाँ ले रहे थे। पुड़िया में स्टीरॉयड्स मिला के दिए जाते हैं। आपके आसपास के गाँव के हकीम वैद्य कहने को कुछ भी दवाइयाँ दे देते हैं। अब हमें नहीं पता वो दवाइयाँ क्या होती हैं, उसमें स्टीरॉयड मिक्स होते हैं। और जब वो दवाइयाँ उन्होंने छोड़ी मेरे ट्रीटमेंट के दौरान तो उनमें एग्रावेशंस आई। तो मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टीरॉयड्स पहले से ले रहे हैं सोरासिस के लिए तो उसमें बहुत एग्रावेशंस आती हैं, बॉडी कैसे फूल जाती है, आपका लिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी हम शेयर करेंगे जिसमें लिवर पूरा ख़राब हो चुका था, SGOT, SGPT, बिलीयूरिन सारा ही बढ़े हुए लेवल्स थे, जॉन्डिस भी हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर सोरासिस से पीड़ित हैं तो आप स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ना लें। अगर आप स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको धीरे 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 करके छोड़ेंगे। तो ये पेशेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट ने जब ये पुड़िया वाली दवाई छोड़ी या स्टीरॉयड लेना छोड़ा तो उनमें एग्रावेशंस आए। एग्रावेशंस कैसे आए, उनकी पूरी बॉडी फूल गई, ना वो मोशन पास कर पा रहे थे ढंग से, ना वो कुछ खा पा रहे थे, ना वो कुछ पी पा रहे थे, और साथ ही साथ मुझे कहना नहीं चाहिए वो लिटरली ऐसे स्टेज पे थे कि कुछ भी हो सकता है, वो जी भी सकते हैं, वो मर भी सकते हैं। मैंने कुछ उनके टेस्ट कराए, उसमें मुझे पता चला कि लिवर की ये हालत है, लिवर उनका पूरा ख़राब हो चुका है वो ट्रीटमेंट ले लेके, और सोरासिस से लिवर पे भी इफ़ेक्ट आता है क्योंकि लिवर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जाते हैं। ऊपर से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट तो ऐसे एग्रावेशंस देखने को मिल सकते हैं। और अब पेशेंट की आप हालत देखेंगे तो पेशेंट की हमने लाइफ एक्सटेंड करी है, पेशेंट अब अच्छे से खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नॉर्मल सोरासिस में जो उनकी कंडीशन थी वो जो इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस बन चुका था, एकदम जैसे बर्न हो जाती है पूरी बॉडी, वैसा वो सोरासिस हो गया था। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से और हमारी गाइडेंस से वो अभी सोरासिस भी ऑलमोस्ट 50-60% ठीक हो गया है सिर्फ हमारी दवाइयों से, और साथ ही साथ वो खा भी पा रहे हैं ढंग से और उनका लिवर भी रिकवरी की तरफ है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सोरासिस के पेशेंट हिम्मत ना हारे। अगर एग्रावेशंस आते हैं तो आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे सही गाइडेंस लें और सही गाइडेंस के अनुसार ही अपने सोरासिस को ठीक करें। और स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट मैं बोलूँगी आपको कि आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपका लिवर डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, हिम्मत आएगी कि आप अपने सोरासिस से लड़ सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। हम इमेजेस भी शेयर करेंगे पेशेंट की कि उनकी क्या हालत थी, बीच में वो कैसी एग्रावेशंस आई और अभी पेशेंट कितने स्टेबल हैं, पेशेंट का सोरासिस और लिवर कितना ठीक हो रहा है। आप इस वीडियो से हिम्मत जुटाइए और अपनी पिक्चर्स हमें शेयर करें, हमसे सही गाइडेंस लें, हमारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, आप मुझसे बात करें, मेरा ट्रीटमेंट लें ताकि हम आपको क्योर की तरफ ले जाएं, ना कि आपके ऑर्गन्स ख़राब करें या ना ही आपके सोरासिस को हम एग्रावेट होने दें। हम आपके ऑर्गन्स का भी ध्यान रखेंगे और आपके सोरासिस का भी ध्यान रखेंगे और ट्रीटमेंट एकदम पैलिएशन सप्रेशन ना होते हुए क्योर की तरफ जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी लाइफ जीने में और आपके सफरिंग्स कम होंगी। सो
आप ये इमेजेस देखिए और थोड़ा सा स्माइल और कॉन्फिडेंस लाइए और हमसे ट्रीटमेंट लीजिए, हमें इमेजेस भेजिए, हमें कॉल करिए और हमारे गाइडेंस से अपना सोरासिस, अपने ऑर्गन्स को सुरक्षित रखें, अपना सोरासिस ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।